मैं हूं पारस और आप देख रहे हैं उन्नाव ITR। आज के इस वीडियो में देखेंगे ई साथी यूपी में आपको कैसे इस एप्लीकेशन में यूज करना है। पहला ऐसा इंटरफेस होगा, उसके बाद आगे ओपन हो जाएगा ई सर्विसेज, ई साथी उत्तर प्रदेश नागरिक सेवाएं, जो कि ई डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, जिससे आप काफ़ी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, आवेदन की स्थिति जान सकते हैं, प्रमाण पत्र का सत्यापन कर सकते हैं। उपलब्ध सेवाएं आप लोगों को दिखा देता हूं, उसमें क्या क्या है। जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत प्रमाण पत्र, खतौनी की नकल, कुटुंब रजिस्टर, काफ़ी सेवाएँ हैं इसमें। शादी और बीमारी अनुदान के लिए आवेदन, अत्याचारों के बारे में शिकायत के लिए आवेदन, दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता, दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं के लिए कानूनी सहायता, विधवा बेसहारा महिलाओं की बेटी की शादी के लिए अनुदान योजना, और इसमें बहुत सारी सेवाएं हैं, जैसे कि दंपति दिव्यांग व्यक्ति विवाह करने पर अनुदान के लिए और दिव्यांग व्यक्ति के कृत्रिम अंगों के लिए अनुदान। अपने सेवाएं देख ली दोस्तों, अब होम पे चलते हैं। यहाँ पे आवेदन की स्थिति जान सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अपना नंबर डालेंगे जो भी है आपका, यहाँ पे खोज सकते हैं, लेकिन अभी हमने सही नहीं डाला, हमारे पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है जिससे मैं सर्च कर सकूं। सेवाओं के लिए पंजीकृत लॉगिन कर सकते हैं, अगर आप पास इसको क्रोम पे ओपन हो जाएगा। लॉगिन करने के लिए आप QR कोड के माध्यम से आप स्कैन कर सकते हैं, आवेदन संख्या प्रमाण पत्र संख्या द्वारा जान सकते हैं, और यहाँ पे अपना लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, हिंदी में हो गया, और ये इंग्लिश पे करेंगे तो इंग्लिश पे हो जाएगा, और हिंदी में है भी। तो ये कैसा लगा आपको वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।